ऑब्वियसली हमारे पतिदेव सुलझा दोगे ना। गुड मॉर्निंग एंड हमारी सुबह देख रहे हो कैसी उथल पुथल जैसी है। और ये आजकल डेली का रहता है, बर्तन रात में नहीं धोती तो सुबह धोती हूँ, किसी दिन रात में धो लेती हूँ तो सुबह नहीं धुलनी पड़ती है। लेकिन आज मैं अभी सुबह सुबह धुली हूँ और इसके बाद मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी के लिए एक टिप्स देने वाली हूँ मैं आप लोगों को, क्या करना ना, थोड़े बहुत उधर मैं दिखा रही थी परात रखे हुए, पापा के लिए रोटी सेकूँगी और ये मैंने लहसुन डाले हैं बहुत सारे काट करके और बहुत यम्मी लगता है। आपने लहसुन डाल देना हल्दी नमक के अलावा और इसमें थोड़ा सा घी डाल देना, मतलब करीब आधा चम्मच, और अगर आपके पास जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर हो ना तो वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा सा डाल देना। इतनी टेस्टी इतनी बढ़िया खिचड़ी बनती है ना कि मतलब उंगली चाटते रह जाओगे। और ये रहे लहसुन का कमाल, आप लोग देखना खिचड़ी में इतनी बढ़िया खुशबू आती है खिचड़ी से कि मतलब पूछो ही मत मेरे से। और सब्ज़ी बनी हुई है हमारे आलू और तिलसी की, और ये सब्ज़ी पापा के लिए बनी है, डीजे सर के लिए बनी है, और मुझे तो तिलसी की सब्ज़ी कुछ खास नहीं लगती और ये यहीं पे बनती है। इसके और भरवा बनता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मसाला प्याज वगैरह स्टफ़ करके बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं बनाऊँगी ना अगर तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और लेकिन मैं और कनिका और अनमोल हम लोग तो खाएंगे खिचड़ी, पापा के लिए और डीजे सर के लिए सेक रही थी रोटी। वैसे डीजे सर भी खिचड़ी ही खाएंगे और हल्का फुल्का रोटी मन होगा तो खाएंगे, वरना फिर रोटी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बचा रह सकता है। यहाँ अनमोल एंड कनिका कर रहे थे मस्ती। और आज सुबह सुबह मैंने वीडियो अपलोड करने की जगह पहले मैं आई थी किचन में, मैंने बर्तन वर्तन धुले, किचन का सारा काम निपटाई थी, कनिका को खिलाई पिलाई थी और फिर मैंने अपलोडिंग किया था। और अगर मैं थोड़ा सा मतलब वो हो जाता था कि उथल पुथल हो जाता था, बट मैंने ना थोड़ा सा अभी साइड किया है और देखेंगे साइड से जो भी थोड़ा बहुत बन जाएगा वीडियो वो अपलोड कर दिया करेंगे। और वहाँ सामने डीजे सर वो रहे पानी पटा रहे थे और व्लॉग थोड़ा सा छोटा है तो माफ़ करिएगा। और अच्छा लगे अगर व्लॉग मेरा रूम का उथल पुथल देख रहे हो कैसे मचा हुआ, रूम भी ठीक करना है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, व्लॉग भी छोटा सा ही बना है। अगर बहुत लोग बोले थे कि दीदी आप व्लॉग नहीं कर पाओगे तो कम से कम शॉर्ट्स तो अपलोड करना, तो हाँ डियर शॉर्ट्स तो मैं कोशिश करूँगी। और व्लॉग देख रही हूँ थोड़ा छोटा होता जा रहा है मेरा व्लॉग, बट ठीक है। मैं दोपहर में बनाई थी ये वीडियो साड़ी पहन के, तो हमने इतनी सारी मेहनत करी है, एक रेड चैलेंज किया है, शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा आप लोग, घंटों लगे हैं हम लोग, पता है इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग 12 बजे से लगे हुए हैं, अब जाके 4 बजे बनाए। तो मेरे बाल देख सकते हैं सुरक्षित काले मेरे बाल, लेकिन बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं मेरे बाल, इसे सुलझाएगा कौन, तो ऑब्वियसली हमारे पतिदेव सुलझा दोगे ना। देखो मेरे बाल, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो देख लिया मेरे बाल, ऐसा लगता है जैसे चूहे के तरीके चले गए हो, तो सुलझा दोगे। चलो कई दिनों से बाल नहीं सुलझा पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो और डीजे सर बोले कि लाओ मैं सुलझा देता हूँ, तो बोले कि मैं एक शर्त पे सुलझाऊंगा, पहले इसको बाल को पूरे को सुबह सुबह धुलो, तो नहाई तो आज बाल धुली और फिर वो बैठे हैं देख लो कैसे सुलझा रहे हैं, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से। उनके मन में क्या चल रहा था, क्या बात है, वो बोल रहे थे ना वो सब कुछ, उनके वाली वीडियो में जाकर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने रोस्ट करके अपनी बातें रखी हैं। यहाँ तो मेरी ही आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिलती है। कई लोग बोलते हैं डीजे सर क्यों नहीं बोलते, तो डीजे सर अपने वाले चैनल में ही बोलते हैं या नहीं बोलते, और उसमें तो इतना बोलते हैं कि कई लोग डर जाते हैं और मैं भी डर जाती हूँ। इसके साथ ही व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होंगी तो मैं ना फिर लॉन्ग वीडियोस बनाऊँगी। और डीजे सर को लग रहा है कि मैंने उनको ये कहा है ना कि रांची लेके चलो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैं इस बार सीरियस हूँ और मैं उनके साथ रांची जाऊँगी, कनिका और अनमोल को लेकर जाऊँगी। और वहीं पे पास में ना हमारे स्कूल भी है छोटे बच्चों का, जहाँ की मैं सोची हूँ अनमोल का एडमिशन करा दूँगी, जिससे कि उसकी भी पढ़ाई एंड ऑल सब कुछ चलती रहेगी। पीछे आप लोग देख रहे हो कनिका खेल रही है मेरे रबर बैंड से, तो मेरा ये प्लान है। और रही बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो मैं वो वहाँ से भी एक्टिव रहूँगी और कोशिश करूँगी। वैसे डीजे सर का काम ज़रूरी है ज़्यादा, तो देखेंगे। और इसके साथ ही अगर वो नहीं ले गए इस बार, तो फिर देख लीजिएगा कि मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बात ना माने, देखते हैं क्या होता है। और मुझे खुद ही सुलझाने पड़ रहे हैं अपने बाल इतने बढ़िया से, लेकिन नहीं सुलझा दिए थे, मैंने कंघी चला के देखा, पता नहीं कैसे सुलझा कि पता ही नहीं चल रहा था, दर्द भी नहीं हुआ जाते और सुलझ गए मेरे बाल बहुत अच्छे से। मेरे कुछ बाल, 2-4 बाल ना चांदी पर से पक गए हैं, जब से डिलीवरी की दवाइयाँ एंड ऑल ये सब चली है ना तब से। इसको ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा इसको यहाँ रखना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो फिर जो हो गए वो तो दिखेंगे ही सफेद अनमोल भी दिखे।
जाएंगे कभी कभी। देखो क्या लेके आई हूँ मैं, पता है क्या है? जामुन खा जाए। मैं भी खाऊंगा। सारा ले आई हूँ, देख लो कैसा हो गया है। दो मिला। हम रिएक्शन दिखाना, जब जामुन लेने जाओ तो कैसा मुंह बनाते हो। इसीलिए हम लेना ही छोड़ दिए थे। अब देखे जब सड़ गया तब खाने आए। सड़ गया है, सड़ गया है। नहीं नहीं ये नहीं चलाई जी, तो देखो कितना सड़ गया है, देखो अभी तो टूट जा। पकड़ो पकड़ो तो पकड़ो, कटोरा पकड़ो, जो लगा देखना पड़ रहा ना। देखना पड़ रहा ना, देखना पड़ रहा ना। देखो सड़ा दिया गया जामुन को, एकदम महक रहा है, एकदम हल्का सा पानी की वजह से स्मेल आ गया, जो उसमें पन्नी में पानी था ना उसकी वजह से आया ना स्मेल। तो खा सकता है अनमोल, कनिका तुम भी खा लो, आज सब लोग खाते मिल के खाएंगे तभी ना मजा आएगा, है ना। चलो किसको कनिका, किसको 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 सबसे पहले मेरे को दो, सबसे पहले पापा को दो, सबसे पहले कनिका को दो, सबको दो, सबको दो। ये गिर गिर जा रही है उठ उठ के। तो जामुन लेकर के डीजे सर का रिएक्शन इसलिए कैप्चर करी थी क्योंकि जब भी जामुन निकालती हूँ ना मैं खाने के लिए, तो बोलते हैं पापा के लिए है, पापा के लिए, और खुद भी खाते हैं घूम घूम के। लेकिन मैं जब खाने जाऊँगी तो बोलेंगे पापा के लिए, पापा के लिए, तो मैं छूती नहीं हूँ जल्दी। फिर मैं आज बिल्कुल ख़राब हो चला था और कल इन्होंने दिया नहीं, कल दे दिए होते तो ये ख़राब नहीं होता। फिर मैं ही लेके आ गई कि चलो अनमोल कनिका भी, अनमोल तो डेली खाता है, तो मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं जामुन वरना ये वेस्ट हो जाएगा और फिका जाएगा, क्या मतलब है ना। और इसके बाद रात में हम फिर वही मिडिल क्लास वाली एक रेसिपी शेयर किए हैं आप लोग, कंजूसों वाली रेसिपी है, अगर आप लोगों को चाहिए होगी। डेली कहते हैं ना कि मेहमान के लिए दो रोटी एक्स्ट्रा बनाओ, बट रोटियां एक्स्ट्रा बनाते बनाते इतनी सारी हो गई हैं कि इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। ये किसके लिए बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कैसे बनेगा, सब ना आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट्स में। मैं अपलोड करूँगी रेसिपी और देखना आप लोग ये मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें से एक दो रोटी ऐसी थी जो कि ना जिस पे कि सब्जी लग गई थी, और वो वैसी वहाँ पास में आपने देखा होगा सब्जी रखा हुआ था, बट ठीक है उससे क्या करना है, स्वाद ही बढ़ेगा है ना। और इन सारी रोटियों को बारीक तोड़ देंगे, और गाय की रोटी और वो सब देने के बाद जो बचती जाती थी ना एक दो रोटी डेली सुबह शाम, वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। एक वीक में करीब इकट्ठा हो जाते हैं, या कई बार 5-6 दिन पे ही इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5 दिन पे। तो हम लोग एक बार ये रोटी वाला बना लेते हैं, हम गरीबों का मसीहा कह सकते हैं इस रेसिपी को। ये डीजे सर ने मुझे जोकरों की तरह दुपट्टा उड़ा दिया है आकर वीडियो बनाने के लिए। देख रहे हो यहाँ रोटी, पता नहीं क्या बोलने के लिए बोल रहे थे, मैं बोलूँगी अभी आप देखना। ये देखिए हमारे दिन कैसे आ गए हैं, सूखी रोटी खाने वाले हैं हम लोग। रोटी खाने हमारे दिन नहीं कैसे है, अभी मिडिल क्लास लोग कैसे खाते हैं। मिडिल क्लास लोग जो है ना हर चीज को कैसे एक एक चीज को वेस्ट नहीं होने देते। एक्चुअली में हमारे दिन पूरे नहीं आए, ये मिडिल क्लास की क्वालिटी है कि वो किसी भी चीज से कुछ भी बना के खा लेते हैं, गुड़ का गोबर करके खा लेते हैं। ये हमारे पति भी सिखा रहे थे, हमारे दिन नहीं आ गए ये बोलो कि मिडिल क्लास लोग कैसे खा लेते हैं। मैंने कहा हाँ मिडिल क्लास लोग कुछ भी कैसे भी खा लेते हैं। और मेरा तो आप लोगों को पता ही है मैं तो कुछ भी कैसे भी खा लेती हूँ, गरीब इंसान। तो हो गया कैमरा बंद और मैं आ गई थी सीधे इधर साइड। और रोटी सेकने के बाद नहा धो, पहले किचन साफ की हूँ पूरा बर्तन वर्तन, फिर नहाई धोआई हूँ, और फिर आ गई थी कपड़े सारे फोल्ड करने के लिए। अनमोल के कपड़े छाट के ले जा रही हूँ, पापा के रूम में रहते हैं और मेरे कनिका के एंड डीजे सर के कपड़े रहते हैं मेरे कबाड़ में। वैसे कुछ कपड़े तो मेरे वाले में मिक्स कर दिए हैं मैंने अनमोल के, और यहाँ पे बनेंगी रोटी वाली और इसकी रेसिपी जाएगी शॉर्ट्स में। और किचन देखो मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था, डीजे सर पीछे क्या कर रहे हैं ये आपको ना उनके व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज रात में सोचूं सब लोग खा पी लेंगे, बर्तन वर्तन धो कर के ही सोऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ना उठ के करने का मन नहीं करता इतना काम, और सुबह ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है जैसे कि कनिका की मालिश सुबह शाम करती हूँ। फिर बीच बीच में आजकल डीजे सर एक आध बार हल्का फुल्का तेल, आजकल नहीं सॉरी एक ही दिन लगाए हैं उसके बाद से नहीं लगा रहे हैं,
मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि आजकल आजकल एक हम लोग माँ लोग ही होते हैं जो डेली तेल नियमित रूप से लगाते हैं जिसे कहते हैं। अब ये तेल का बात मैंने इसलिए जिक्र किया यहाँ क्योंकि मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि आप कितनी बार तेल लगाते हो और कितनी बार कनिका को खिलाते हो। तो डियर मैं आप लोगों को बता दूँ और इसीलिए मैंने ये तेल का जिक्र भी किया, तो मैं सिर्फ 2 बार तेल लगाती हूँ। कौन सा तेल लगाती हूँ ये भी सवाल है बहुत सारे लोगों के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से मैं राजस्थान के मौसम के हिसाब से अभी गर्मी के मौसम में नारियल तेल लगाती हूँ, लेकिन वही जब ठंडी का मौसम होता है ना, या रांची का जो मौसम था वो ठंडा था, तो मैं वहाँ पे ना सरसों का तेल लगाती थी। रात का समय है, रात के 2 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको सांस लेने की एंड ऑल ये सब सुनाई दे रही है क्योंकि एक कोने में बैठ के करती हूँ, क्योंकि कनिका सो रही होती है ना पंखे की साइड, तो इस वजह से तो थोड़ा सा हो सकता है। इसके साथ ही आ जाते हैं खिलाने पर। तो खिलाने का जो है वो मैं कनिका को 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खिलाती हूँ। अब क्या खिलाती हूँ, तो क्या खिलाने में आप बच्चों को ना उनके हेल्थ के हिसाब से और जिस जगह आप रह रहे हो ना मौसम के हिसाब से ही खाना देना। और हम तो यहाँ के मौसम के हिसाब से कनिका को थोड़ा बहुत मेरे साथ रोटी सब्जी भी खिला देती हूँ हल्का फुल्का, और पपड़ी, रोटी नहीं पपड़ी, जो रोटी का पपड़ी होता है ना पतला वाला, वो दाल में सान के खिलाती हूँ पपड़ी, कभी कभी खिचड़ी बना देती हूँ। और मैं रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं खिलाती हूँ, सब कुछ मिक्सअप करके देती हूँ। और यहाँ पे बन रही थी हमारी मिडिल क्लास वाली रेसिपी। क्या है ये रेसिपी, सब कुछ आपको शॉर्ट्स में पता चलेगा, कुछ यहाँ के वीडियोज़ आपको ना व्लॉग में डीजे सर के व्लॉग में देखने को मिलेंगे। और ये देखो वीडियो के लिए कपड़े पहने जाते हैं बस। फिर मैं आ गई थी कमरे में, सॉरी मैं ये चेक करते हुए आई थी, और अब मुझे करनी थी कनिका की मालिश, उसे खिलाना था पिलाना था, तो सब कर दिया मैंने रूम में आते ही। और सबको लगता है कि हम सब कुछ ऐसे ही कर लेते हैं और थकते भी नहीं है, तो डियर मैं बताऊँ मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा होता है, बहुत थक चुकी होती हूँ। और आजकल व्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलते ही फिर हम ब्लॉग को लंबा करने की कोशिश करेंगे। मैं कह नहीं सकती कि लंबा करूँगी या फिर नहीं, हो सकता है किसी दिन थोड़ा और छोटा ही देखने को मिल जाए, बट ठीक है, हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ रेस्ट भी थोड़ा सा ज़रूरी है। और इधर हमारा अनमोल एंड कनिका दोनों खेलने कूदने में लगे हुए थे, अभी सब लोग खाना नहीं खाए हैं, अभी खाना खाना बाकी है, तो इसके बाद खाएंगे अब हम लोग खाना। और पूरे दिन पता है बच्चों के साथ ऐसे ही छोटा 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 काम ना पूरे दिन लगा रहता है। अनमोल से तो फिर भी अनमोल में थोड़ा कम तूल है, अनमोल को एक बार खिला देती हूँ प्यार से खा लेता है, फिर उसके बाद उसका जब टाइम होता है तब खाता है, वो खेलता है, बीच में पानी मांग के पी लेता है। और अब तो मतलब थोड़ा पहले से थोड़ा सा ना बोल दो कुछ तो बात भी मान लेता है, समझता है, लेकिन कनिका जो है बिल्कुल नहीं समझती है, इतनी छोटी सी है, इतनी सी तो है नहीं है, आफत मचा रखी है ये लड़की। और पूरे दिन इसको कभी चिल्लाएगी पता ही नहीं चलता है पानी चाहिए कि खाना चाहिए कि क्या चाहिए। कल रात तो इसने ना पता है डीजे सर भी रूम में आके बैठे रहे 12 बजे तक, अनमोल भी आके बोल रहा था अरे मेरा बच्चा सो जा सो जा, और बड़ी मुश्किल से सोई थी ये लड़की।